प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आ गया आपके पास। ओके तो इट मीन्स इसमें अगर आप 1 जमा करेंगे तो इधर से ये निकाल दें या यहाँ से निकाल दें, तो ये जो है ये जी आपका आ जी जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स -1। अब ठीक है, जी सर, क्लियर सर जी। यहाँ 1 था। अच्छा, फर्क किया कि फर्क किया आपको, यानी एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब है डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये तो ऐसे सर 1 जाए। प्लस एक्स दूसरी साइड पे ले जाएगी। हाँ, यानी कि यहाँ जमा करें 1 प्लस एक्स, वहाँ से आप यस निकाल दें 1 प्लस, नेगेटिव कर दें इसको। हाँ, इधर आके दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा ना ई एक्स -1 माइनस वन। -1 हाँ, ई एक्स -x, ये टेक्निक होती है मैथमेटिक्स में सिंपल सिंपल, जो कि आपको एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आपको आनी चाहिए मतलब। तो ये आइडिया है उसके अंदर। सर वो पेज एक दफा दोबारा दिखाइएगा, कौन सा वो तो जिससे ये आप करवा रहे हैं, यानी जो यही वाली एग्जांपल थी। वो दे रहा हूँ ना, वही वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। ये आ गया, नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर, जी नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा? सर, आ रहा है नजर। अच्छा हाँ, तो देखे ना, जो ये था 1 से स्टार्ट हो रहा है ये आगे जाके, तो ये तो ई एक्स पावर 2 आ गया ना ऊपर, ई एक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ये ई एक्स -1 आ गया यहाँ। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको ई पावर 2 एक्स, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, तो ई 2 एक्स -2 एक्स और +1, इसको मल्टीप्लाई किया, तो अब इसका क्या आएगा, यानी एक्स आर, और आर इसमें देखें इसका पावर 4 है, ये 2 3 है, ये 2 है, तो ये कोफिशेंट आ गया इसका, ये वाला। यहाँ से यहाँ आप कैसे गए, क्योंकि इसमें से ये आएगा ना 4 4 आर इंटू, मकसद ये कि एक्स आर डिवाइड में 4 फैक्ट, इसका कोफी क्या क्या आएगा, इसका कैसे आएगा, इसका क्या, तो इसका जो कोफिशेंट है एक्स आर डिवाइड बाई आर फैक्टर के, ये आ गया 4 आर -2.3 आर, यानी मल्टीप्लाई +2 आर, तो इसका ए आर ये है। और इसी 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 पे मैं अब ख़त्म करूँगा, इसलिए कि बाकी दूसरा वाला तो ये मैंने पहले करा दिया है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके पास जो एग्ज़ाम्पल है वो 5.4.7 है, कि देखें ये आपको आ गया, इसमें से कोफिशेंट आप निकालें एक्स आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल के, तो ये आ जाएंगे। इसको आप ओपन करें, इसको किस हालत में लिखें, वो जो यहाँ वाली है देखें ना, 4x = 4r, यही आ जाएगा ना 4r और एक्स आर डिवाइड बाय आर। दूसरी में लिखें उसका आ जाएगा आपके पास 2 * 3r, तो ये आएगा 2 * 3r और ये 2r, सो दिस इज द आंसर। तो हमें जो वास्ता पड़ेगा वो क्या नाम है, रिकन्सिलेशन में, वो इस किस्म के प्रॉब्लम से वास्ता पड़ेगा। तो ये आज के उसका निचोड़ है कि आपको कोफिशिएंट कैसे निकालने हैं, किसके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी जो जनरेटिव फंक्शन है वो दिया गया है। पहली बात यह कि जनरेटिव फंक्शन कैसे निकालना है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर उसका आर्थ कोफिशिएंट क्या है, आर्थ सीक्वेंस क्या है उसका, तो वो निकालना है, यानी ए आर कैसे है यहाँ पर, दैट्स द आइडिया। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ी देर में भेज देता हूँ सारे, ये जो है बाकी ये तो वो है ई एक्स माइनस ई एक्स जमा कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, वो तो कोई इतना वो मसला नहीं है, ये आप देख लीजिए। हाँ, ये भी एग्जाम्पल ठीक है, 5.4.8, तो इसको भी करके देख लीजिए। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क मी नाउ, मैं बस ख़त्म हो गया समझो तकरीबन। अच्छा, अगले हफ्ते आपका क्विज भी सर होगा इसके बाद हमारा लास्ट, जी? सर नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा हमारा। अच्छा नहीं, अभी आपके 2 लेक्चर और हैं। हाँ, 2 हैं, 14 पूरे करने हैं। यहाँ पर जो है ना, आपने ये देख लिया होगा कि जो लोग भी पढ़ा रहे हैं वो अपना लेक्चर अगर कोई मिस हो भी गया है तो उसको वो कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हफ्ते पूरे हो गए तो चाहे एक हफ्ते क्लास ना हुई, 2 2 हफ्ते ना हुई, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये हमने बड़ी अच्छा स्टेप लिया हुआ है, क्योंकि और जगह तो क्लास हो गई नहीं हुई, चलो जी आज बस ऐसे ही अटेंडेंस पूरी कर लेते हैं और ये सब,
ऐसा वैसा यहाँ कभी नहीं होगा। और ऐसा भी जो फैकल्टी एक आध ने शुरू शुरू में किसी ने किया तो उसको फिर हमने फारिग कर दिया था, यही बता दूं मैं आपको। मैं ओके सर, ये बात मिट के लिए 7 लेक्चर तो आपके हो गए, 7 to 14 होंगे आपके जो फाइनल होगा सर। 7 रुक पॉलिनोमियल था ना, तो वो तो हो गया था, तो 8 से ऑनवर्ड चलेंगे। हाँ 8 से ऑनवर्ड चलेंगे बिल्कुल। ओके सर ठीक है। मतलब सर ये पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स से आगे तक मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है, आप देखेंगे 8वां लेक्चर कहाँ से शुरू हो रहा है। जी सर, वैसे फाइनल कितने नंबर का होगा हमारा? देखिए आपका वो जो है ना, वो उसकी जो वेटेज होगी वो मेरे ख्याल में 40% होगी सर। हमें रिजल्ट कब तक सारा जो है? जो सिलेबस दिया गया था उसमें लिखा हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे हैं। जी सर वो हमने देख लिया था। वैसे रिजल्ट असल में आप लोग कभी ट्राई नहीं करते देखने की क्या किया जाए। नहीं सर हमने वो देखा है, मॉलम पे दिया हुआ उसका पार्टीशन सिलेबस। और क्या है, और क्या है सर? ये पूछ रहे थे कि सिलेबस ये मिड का रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा, आइडिया हो जाए थोड़ा। ये अगले हफ्ते मेरे ख्याल हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले हफ्ते दे दें आपको। ओके सर। असल में मसला पता क्या है कि हम सब लोग यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ भी यही है कि 50-60% लोग आते हैं, बाकी नहीं आते, क्योंकि फिर वहाँ जमघटा नहीं करना चाहते, क्योंकि बैठने की जगह थोड़ी है ना, तो ये आपके कोविड की वजह से थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, वरना तो कब का हो जाता जैसे कहा जाए। अच्छा सर, अभी आप बता रहे थे कि नेक्स्ट वीक क्विज है, तो क्विज इसी टॉपिक से होगा जो आज आपने करवाया है? नहीं, जो रिकंसिलिएशन और ये जनरेटिंग फंक्शन दोनों से okay. मिलके, यानी लास्ट और लास्ट वीक वाला लेक्चर और आज वाला। ओके सर ठीक है। ओके एनी अदर क्वेश्चन सर? लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। क्या चीज में सर? जो क्वेश्चन नंबर सर लास्ट टाइम आपने क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए रिचर्ड ब्रॉडी की बुक पेज नंबर 261 से। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 32 है ना सर, उसमें थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था, अगर उसको बता देते। चलो अगले हफ्ते कर लेंगे ठीक है अभी। सर ये जो क्विज के आप दो टॉपिक दे रहे हैं उनमें से अगर एक कर दें तो वो बहुत नहीं हो जाएगा? व्हाई 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 इज दैट सर? ये काफी मतलब लेंथी। हाँ आपको पूरा हफ्ता, पिछला हफ्ता भी गुजरा है रिकंसिलिएशन के लिए, ये हफ्ता पूरा है आपके लिए सर। अगर काम नहीं कर, मेरे ख्याल में आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, फिर क्यों आए हो यहाँ पर यार? व्हाई यू आर हियर? पढ़ना तो चाहते नहीं चाहते मेरे ख्याल में आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, आप चाहते हल्का फुल्का हमें बस एमफिल मिल जाए, और कोई वजह नहीं है।